कल कहना नहीं है बीमारी क्यों, आपने इतना सेवा बैंक में पैसा रखा उतना मिलेगा, जितना से भगवान कुछ नहीं देता है, ये अच्छी तरह से याद रखना। भगवान कुछ नहीं, सिर्फ विधि बताता है, करना आपको है, नहीं तो भगवान अगर करता एक को बीमार किया, एक को ऐसा किया, ये क्यों किया, मतलब बाबा के दम बच्चे मैं किसी को कुछ नहीं देता हूं, विधि बताता हूं, जो करेगा वो पाएगा। नहीं करो, एक करोड़पति है, एक बीमार है, एक सदा बीमार है, क्यों? कि आपने, जब भगवान ने आया विधि बताई थी, आपने किया नहीं। बरसात आई थी, आपने खेती में बीज बोया नहीं, क्यों? बीमार था, शादी थी घर में, किसको बताएंगे, तकदीर को। बरसात आके चली गई, आपने बीज बोया नहीं, तो भगवान ऊपर से चावल भेजेगा, खाना भेजेगा नहीं, तो गरीब किसने बनाया? भगवान जब आया, आपने तन मेरा समझ के रखा। माताजी देखो, घर में दो लोगों के खाना बनाती है, चार लोगों के लिए बनाती है, सेंटर की बहन ने कितना लोगों को नाश्ता खिलाया आज, उनको भी भगवान ने चार हाथ दिया है क्या? दो ही हाथ दिया है। माताजी को भी दो ही हाथ दिया है। माताजी घर में दो बच्चों को, एक पति को खाना बनाती है, और वही सेंटर की एक टीचर है, उनको भी दो ही हाथ है ना, चार हाथ तो नहीं है। उन्होंने कितने लोगों को नाश्ता बना के खिलाया? आप पूछेंगे इनको देवी क्यों कहते हैं, दीदी क्यों कहते हैं, इनकी पूजा क्यों करते हैं, हमारे क्यों नहीं करते हैं? हाँ, उन्होंने इतने आत्माओं की सेवा किया है, हमने भी सेवा किया, एक लोग एक की दो की किया, अंतर है ना। जो जितने लोगों की आत्माओं की सेवा करते हो, उतनी आत्माएं आपकी सेवा करेंगी। किसी एक दुर्गा के लक्ष्मी के मंदिर में दो ही लोग जाते हैं, एक मंदिर लक्ष्मी के मंदिर में भीड़ है, क्यों? कि उस लक्ष्मी ने इतनी सेवा किया है ना। जितनी आप सेवा करते हो, उतने आपके राज में प्रजा आपकी होंगी, आप देवता बनेंगे तो इतने भगत आपके मंदिर में आएंगे, जितने लोगों को आपने ज्ञान दिया, सेवा किया है, आपके हाथ में है। शरीर को बीमारी आनी नहीं आनी, वो आपके हाथ में है। भगवान विधि बताता है, ये तन किसकी सेवा में लगा रहे हो? भगवान की सेवा में आप कहते भगवान मेरी बीमारी ठीक करो, आप इनकी सेवा करो और मैं ठीक करूं। हाँ बच्चे, मेरे यज्ञ की सेवा करो तो ये यज्ञ आपकी सारी बीमारी ठीक करेगा। समझ में आया?